विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों दिशा और परिमाण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, इसलिए यह एक सदिश क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र गतिमान विद्युत आवेश और मूल कणों के अंतर्भूत चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उत्पादित होता है। हे गूगल, नैनो ट्यूब के बारे में कुछ बता। विकिपीडिया के अनुसार कार्बन नैनोट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना वाले कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। नैनोट्यूब को 28,000:0001 तक के लंबाई से व्यास अनुपात के साथ निर्मित किया गया है, जो महत्वपूर्ण रूप से किसी भी अन्य द्रव्य से बड़ा है। हे गूगल, पदार्थ के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। विज्ञान के आरंभिक विकास के दिनों में ऐसा माना जाता था कि पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट ही किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ विनाशी है। हे गूगल, हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैविंडिस ने की थी। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नाम था। 1883 में लेवाशिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। ग्रीक हाइड्रा इक्वल्स जल तथा जीन उत्पादक। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। हे गूगल, नाइट्रोजन के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार नाइट्रोजन भुयाती या नत्रजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन गंधहीन स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। हे गूगल, हीलियम के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस है तथा रंगहीन गंधहीन स्वादहीन विषहीन भी है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। सभी तत्वों में इसका क्वथनांक एवं गलनांक सबसे कम है। हे गूगल, थर्मामीटर के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार एक चिकित्सकीय तापमापी तापमापी या थर्मामीटर वह युक्ति है जो ताप या ताप की प्रवणता को मापने के काम आती है। तापमिति भौतिकी की उस शाखा का नाम है जिसमें तापमापन की विधियों पर विचार किया जाता है। तापमापी अनेक सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किए जा सकते हैं। हे गूगल, चुंबक शक्ति के बारे में कुछ बताओ।